चंपू अजमेरा सहित अन्य भूमाफिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेटलमेंट के लिए प्रशासन को सहयोग नहीं किया है। सभी की जमानत निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। यह रिपोर्ट जिला प्रशासन कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है। पुलिस ने भी चंपू नीलेश और चिराग शाह को हार्डकोर अपराधी बताया है। यदि इनकी जमानत होती है तो न्याय संगत नहीं होगा। कालिंदी गोल्ड सैटेलाइट हिल्स और फिनिक्स देवकान इन तीनों कॉलोनियों के पीड़ितों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार भूमाफिया चंपू अजमेरा, उसका भाई नीलेश अजमेरा, चिराग शाह, ये सभी कुख्यात अपराधी है। इनके द्वारा किए गए अपराध हत्या, बलात्कार और डकैती के बराबर ही है। इनका जमानत पर रिहा होना न्याय के लिए न्याय के हिसाब से उचित नहीं है। इनकी जमानत निरस्त होना चाहिए। जिला प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी भूमाफिया ने सेटलमेंट के लिए प्रशासन को सहयोग नहीं किया है, इसलिए सभी की जमानत निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। कलेक्टर के अनुसार पीड़ितों जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम कोर्ट के समक्ष भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त रहेंगे। वो तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसके अनुसार आई थिंक हाईकोर्ट में अभी ना पेशी भी चल रही है उसका। लगातार हमने हमारे एडीएम में ना इसमें उपस्थित भी हो रहा है। हॉनरेबल कोर्ट के समक्ष में प्रशासन के ना तथ्य हैं उसको सामने रख भी रहे और किन लोगों के ना राहत ना देना चाहिए था एज पर डायरेक्शन, वो नहीं हुआ है। तो उसके लिए मतलब हम लोग के ना कोर्ट के समक्ष में उनका ना बेल ना उसको कैंसिल कराने के लिए भी ना हम लोग ने अप्लीकेशन है ना कोर्ट के समक्ष में ना प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लगातार हम लोग है ना मॉनिटरिंग करेंगे। जब तक है ना इनकी कितने भी लोग अफेक्टेड लोग हैं उनका राहत ना मिल जाए तब तक है ना प्रशासन है ना प्रॉपरली है ना कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ना इसको लोगों को है ना राहत दिलाने के काम करेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका है ना। फिर से इसके पहले भी हम लोग कंडम जारी कर चुके हैं। कौन सी मैटर को प्रशासन ने कंडम जारी किया उसको लेकर वापस इस प्रकार का प्रश्न करना ही गलत है। उस प्रकार का नहीं बोला गया। इस अपोजिट पर्सन के ना एटीट्यूड एंड व्यवहार है ना कैसे हैं वो तथ्य है ना मतलब है ना कोर्ट के समक्ष में रखा गया, ऐसे नहीं है। बट उसके बाद भी ना एडमिनिस्ट्रेशन लगातार है ना कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद है ना बहुत सारे लोगों का है ना प्लॉट के ना पोजेशन है ना मतलब दिया गया है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसको फॉलोअप कर रहा है।